कि मैंने क्या कर लिया है कि ये जो पीवीसी पाइप है गाइस 0.5 एमएम का पीवीसी पाइप है, कहते हैं मुल्तानी मिट्टी है, या आपको किसी भी पनवाड़ी की दुकान पे मिल जाएगी। मिट्टी डालने के बाद गाइस आपको इस तरह का कुछ लोहे का ले लेना है कि जिसकी मदद से जो मुल्तानी मिट्टी है उसको आप अच्छे से अंदर जो है ठोक पाएंगे। अभी इसके अंदर हम हमारा रॉकेट फ्यूल डालते हैं। यह है कि 65 ग्राम हमने लिया पोटेशियम नाइट्रेट के नंबर 3, और जो हमने सेकंड लिया है शुगर। तो गाइस इसको आपको सेम रेशियो में 65:35 के रेशियो में आपको मिक्स करना। इसके मिक्स करने के लिए आप ऐसा कुछ भी बर्तन ले लेना, उसके अंदर दोनों चीज़ डाल के एक आधा चम्मच लेना और वटाना गाना 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 और मस्त से इसको ऐसे मिक्स कर लेना। तो गाइस चलिए जल्दी जल्दी मैं इसको भर लेता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड कर देना भाई थोड़ा सा वीडियो। चल मुझे अच्छा काम करने के खाली बस खाली बस सिट अच्छा कारनामा करना पड़ रहा है ना। फिर भाई बहुत तंग करती है। कौन सी गाड़ी ले रहे हो भाई? जावा पावर 42 वांग वांग वांग। इसका भी ब्लॉग आपको जल्दी ही मिलेगा, क्योंकि जो हमारा सांबा भाई है, हम जब गाड़ी की डिलीवरी लेने जाएंगे तो सांबा भाई को भी लेके जाएंगे। तो समीर भाई आपको वो वाला ब्लॉग भी जल्दी, आपको अगर देखना है तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो सांबा भाई को सपोर्ट करना प्लीज। गाइस आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने जो है हमारा रॉकेट फ्यूल भर लिया है। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में गाइस हमको इसको ऊपर वाला जो नोजल रहता है वो नोजल हमको बनाना है। तो उसके लिए सिंपली गाइस हम जो हमने स्टार्टिंग में किया था कि मुल्तानी मिट्टी अंदर डाला था वही आपको वापस करना है। तो आप इसको सिंपली नीचे रख दीजिए अच्छे तरीके से, इसके ऊपर से जो है मुल्तानी मिट्टी डाल के इस मुल्तानी मिट्टी को अच्छे तरीके से आपको वापस से इसके अंदर ठोक देना है। देख सकते हैं हमारा काम बन चुका है। अभी इसको हम ऐसे ही पैक कर देंगे पूरा इसी प्रोसेस से। करना है कि ऐसा कुछ भी ड्रिल बिट ले लेना है और इसके अंदर आपको ऐसे ऐसे होल कर देना है। गाइस मेक श्योर कि आप जब होल कर रहे हो तो वो जो होल है ड्रिल मशीन की मदद से मत करना। बना दिया है इसके अंदर हमने जो सिंपली ड्रिल बिट के अंदर से, आपने देखा कि हमने कि नोजल बना दिया। तो नोजल का आप साइज देखते हैं, आपका जो नोजल का साइज है वो ज्यादा आपको छोटा भी नहीं रखना है और ज्यादा बड़ा भी नहीं रखना, नहीं तो आपको मजा नहीं आएगा। मतलब ये जो रॉकेट है ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो गाइस इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्यूज है, ये आपको जो है किसी भी पटाखे के शॉप पे या इलेक्ट्रिकल शॉप पे मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इसका ऊपर जो है ये जो कवर रहता है ये कवर आपको निकाल देना है, और कवर निकालने के बाद ये जो फ्यूज है इसको आपको इसके अंदर डाल देना है। सिंपली आप अंदर तक इसको जो है डाल देंगे। रॉकेट अभी बन के रेडी है, लेकिन ये जो है आसमान में सीधा जाने के लिए अभी हम क्या कर देंगे, हमारे पास आप ये देख सकते हैं एक सिंपल लकड़ी है। इस लकड़ी को हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐसा लगा देंगे जो है कि हमारा जो रॉकेट है सूट पर मतलब जो सीधा खड़ा रह पाएगा। तो इसको हम जो है अपने पास सेलो टेप है, तो सेलो टेप की मदद से इसको अच्छी तरीके से इसके ऊपर ऐसा हम फिट कर देते हैं। कर बंदा स्वीडी स्वीडी। तो ये रहे हमारे दो रॉकेट जो हम बाहर जाके लॉन्च करने वाले हैं। अंदर आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक बहुत ही बढ़िया और शानदार एक्सपेरिमेंटल वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं रॉकेट्स। जी हाँ गाइस आपने बिल्कुल सुना था, बिल्कुल सही सुना। अभी हमारा रॉकेट हो चुका है रेडी उड़ाने के लिए, और बैटरी से हम इसे अभी जलाएंगे। तो गाइस आप सबको हमारा रॉकेट वाला व्लॉग कैसा लगा? आई होप आपको हमारा रॉकेट वाला व्लॉग भी अच्छा लगा। हम जो है हम रॉकेट सही तरीके से उड़ा के दिखाएंगे। तो मिलते हैं ऐसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।